नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरेली में पुलिस वालों के हड़काने और जेल भेजने की धमकी से सहमी महिला को पड़ा हार्ट अटैक, महिला की हुई मौत। सभासद ने चिता मोबाइल पर तैनात पुलिस वालों के साथ मिलकर परिवार वालों को था हड़काया, जेल भेजने की भी दी थी धमकी। मंदिर में मूर्ति की स्थापना के बाद मंदिर तक रोड डालने को स्थानीय लोगों से कहा था सभासद हरपाल सिंह से। सभासद ने रोड नहीं पड़वाई और पुलिस वालों के साथ मिलकर शीतल के परिवार को किया परेशान। परिजनों का आरोप कि सभासद और पुलिस वालों की वजह से हुई महिला की मौत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। स्थानीय लोगों में पुलिस और सभासद को लेकर जबरदस्त आक्रोश। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के तुलाशेरपुर का है मामला। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। थाना इज्जत नगर में ग्राम तुला शेरपुर में 2 दिन पूर्व रास्ता बनवाने को लेकर के पार्षद पक्ष से विवाद हुआ था। उसी संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिए गए थे। एक पक्ष संजीव की वाइफ का आज आकस्मिक रूप से निधन हो गया है। इस संबंध में संजीव पक्ष के द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में पार्षद एवं उनके अन्य दो लोगों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराने हेतु भेज दिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है। रवि रवि रवि, मैं आजमनगर। कौन है? जी मेरी बड़ी सिस्टर है। क्या नाम? शीतल सक्सेना। क्या घटना हुई इनके साथ? कुछ नहीं, असल में कल की बात है। इन लोगों ने मंदिर पहले बनवाया था, 15-20 दिन पहले मंदिर बनवाया, तो बस जे बात थी, इन्हें मूर्ति स्थापन करवाना थी। तो जे लोग बोले सब लोग मिलके चल लें, नेताजी का ने जो यहाँ का सभासद है हरपाल सिंह, उनसे कह के हम यहाँ की रोड पड़वा लेंगे तो सबको अच्छा लगेगा निकलने बैठने में। चमासे में पानी भर जाता है और यहाँ पर निकलने में बड़ी दिक्कत होती सब लोगों को। और मूर्ति उर्ति स्थापन के लिए कहा था तो वहाँ गए सब लोग, बहुत लेडीज़ें गईं 10-12 और दो, मतलब हमारे बहनों के बड़े भैया छोटे भैया गए थे। तो वहाँ पर जो गए थे हरपाल सिंह के यहाँ, उन लोगों ने माँ बहन की गाली दी, उनकी बहन माँ जो भी थी, बीबी बच्चे सब गाली दे रहे थे। बोले थे यहाँ से निकल जाओ सालो, तुम्हें काट डालूंगा। तो जो लोग चुपचाप आ गए, बोले बेकार लड़ना है, पुलिस के द्वारा काम होगा। पुलिस के द्वारा जो गए तो पुलिस उल्टा हमारे बहनोई को पकड़ ली थी, बहनोई को पकड़ ली तो वहाँ से बहनोई हमारे छोट मतलब धक्का दे के निकल लिया है। हैं फिर हरपाल सिंह ने रात में 3 बार भेजा चीता पुलिस वाले, पैसे खिला के 3 बार आए। फिर सुबह भी मैं यहाँ था अपनी बहन कने, तो 3-5 बार आए, तो कह रहे हैं क्या नाम है, हम विष्णु और नितिन को हमारे हवाले कर दो। मतलब ये कौन है आपकी बहन के? विष्णु, मतलब विष्णु जो है बड़े बड़े जेठ हैं और जो वो है वो देवर हैं। तो वो यहाँ पर अभी 5 बजे के टाइम पे सास बोलती थी उसकी, दवाई लेने गई बाहर, तो वहाँ दवाई लेने गई तो पुलिस वाले आए चीता वाले, बोले 5 औरतों का नाम है जिसमें 13 भी है, ये भी ले आऊँगे। वो दहशत के मारे उसकी सास बोलती थी घर पे आके उसे हार्ट अटैक पड़ गया और वहीं फैल गई मेरे जीजा को चिपट के, वहीं पर वो एक्सपायर हो गई। बहन आपकी प्रेग्नेंट भी है? जी जी, 5 महीने का बच्चा है उसके पेट में। तो आपका क्या आरोप है? क्या कुछ नहीं चाहिए, बस हरपाल सिंह का पद छिनना चाहिए और उसे सजा मिलना चाहिए, और जो पुलिस वाले आए थे उनके भी डंडा होना चाहिए, जो 5-10-20 हज़ार में जो खा के जो चक्कर मार रहे थे बार बार। अब यहाँ चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, उन्हें कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, तो जो नीचे के हैं वो क्यों आए? क्या नाम है उन पुलिस वालों को जिन्होंने धमकाया था? उनका सर मुझे याद नहीं है, खैर बस दो ही चीता पुलिस वाले थे। हाँ, और मुझसे भी सुबह मेरे को छत पे देखा, बोले तेरा नाम क्या है वे, मतलब इतना तुक तड़ाक बोल रहे थे जैसे कि मैं जनक कौन हूँ। पुलिस अभद्रता कर रही थी? जी वही, उन्हीं की दहशत में कल रात से परेशान कर रही है। नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा। ये जो है आप रोड के पास गए थे? ना, कल ही गए थे, हमारा मंदिर कल पूरा एकदम ओके बन गया था तो गए थे वहाँ पर। हमने बोला यहाँ कर कब की बात है? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।